हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी की। मोशन अंडर ग्रेविटी। अब बच्चों, मोशन अंडर ग्रेविटी एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, है ना। जो अर्थ होती है वो हर ऑब्जेक्ट को सिमिलर एक्सेलरेशन देती है, और वो एक्सेलरेशन कितना होता है, जी। और जी की वैल्यू किसी किताब में 9.8, किसी किताब में 10, और जी की वैल्यू जगह के साथ, अर्थ की रोटेशन के साथ, डेप्थ के साथ, चेंज भी होती है हाइट के साथ, पर अभी या तो 9.8 या 10 दिया रहता है, ठीक है, बढ़िया। अब ये जो हमारा जो जी होता है, ये हमारे प्रॉब्लम्स में वेरी नहीं करता, मतलब हमारे प्रॉब्लम्स में ये कॉन्स्टेंट ट्रीट किया जाता है। मतलब जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो अर्थ के सरफेस से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होते, तो उतनी हाइट के लिए जी की वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है। इसलिए हम बोलते हैं ये किसका केस है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है, है ना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही। और बच्चों, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हमने आपको तीन इक्वेशन पढ़ाई है, या किसी ने तो पढ़ाई होगी, या तुमने खुद से पढ़ ली होगी, ठीक है। क्या थी? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस 2as, और क्या थी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो इन्हीं इक्वेशन को यूज करना है मोशन अंडर ग्रेविटी में। मोशन अंडर ग्रेविटी कोई नया टॉपिक नहीं है, वही पुराना टॉपिक है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला। बस उसमें ध्यान रखना है कि ये जो एक्सेलरेशन था उसकी वैल्यू या तो आप 10 दोगे एग्जाम में, अगर दी हुई है 10, क्वेश्चन में 10 दी है तो 10, या तो 9.8 लोगे कुछ नहीं दी है तो। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सारी बातें रहेंगी सेम। कुछ बात और नहीं आएगी, और वो है डायरेक्शन की। समझो बच्चों, अब मैं आज आपको एक कन्वेंशन बताने जा रहा हूँ, उसको बाय हार्ट फॉलो करना। कैसे फॉलो करना? बाय हार्ट, ठीक है, दिल से, एकदम दिल से, मोहब्बत से, प्यार से उस बात को समझ लो, और उसको भाई फॉलो कर लेने का है, ठीक है। उस पर सवाल नहीं उठाने का है, उंगली नहीं उठाने का है, जो बोलेगा उसको मानने का है, मानने का कि नहीं। अच्छा देखो, एक चीज़ समझो, आज से हम बोलते हैं कि ये जो अर्थ का हमारा जो ग्राउंड है, या कोई भी हमारा जो रेफरेंस फ्रेम होगा, उसको हम जीरो मान लेंगे। वहाँ से ऊपर की तरफ को हम पॉजिटिव मान लेंगे, नीचे की तरफ को नेगेटिव मान लेंगे। अब यहाँ पे देखो कौन कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है। एक तो एस वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट, एक तो यू वेक्टर है वेलोसिटी, ए वेक्टर है एक्सेलरेशन, और ये वी वेलोसिटी, ये भी वेक्टर। तो जितने भी वेक्टर हैं इनके ऊपर ध्यान देना है, एस वी यू ए वगैरह पे ध्यान देना है कि कब इनको पॉजिटिव लेना है, कब इनको नेगेटिव लेना है। अगर किसी बॉडी को आपने ऊपर की तरफ फेंका तो उसकी आप वेलोसिटी को पॉजिटिव ले लो, और उसी बॉडी को नीचे की तरफ फेंका तो उसकी वेलोसिटी को नेगेटिव ले लो। मेरी बात ध्यान से सुनो, कंसेप्ट वो भूल जाओ कि जी नेगेटिव होता है, पॉजिटिव, ये सब भूल जाओ। आज ये तरीका समझो, कन्वेंशन, इसको पकड़ लिया तो काम बन गया, मस्त एकदम। फिर ये नहीं सोचना है कि ऊपर जाते वक्त जी को पॉजिटिव, नीचे आते वक्त नेगेटिव। यहाँ पे होता ना 9th क्लास से कन्फ्यूजन, अपने को टीचर एकदम ऑमलेट बना देता है सर में कि जी को पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ नहीं सोचना। एक कन्वेंशन को समझना है कि जब भी ऊपर की तरफ कोई चीज़ को फेंका तो वो स्पीड पॉजिटिव, और नीचे की तरफ अगर फेंका तो वो स्पीड नेगेटिव। कोई बॉडी का डिस्प्लेसमेंट यदि ऊपर है, कोई बॉडी अगर ऊपर जा रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लेने का, कोई बॉडी अगर नीचे आ रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लेने का। बस बहुत सिंपल सी चीज़ बता रहे हैं आज तुमको हम कि भाई साहब, जो चीज़ ऊपर जा रही है उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, जो चीज़ नीचे आ रही है उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, और कुछ सोचना नहीं है। आओ जी की बात करें। मान लो कोई बॉल नीचे गिर रही है तो जी किधर लगता है? नीचे की तरफ। अच्छा, मान लो कोई बॉल ऊपर जा रही है जी किधर लगता है? नीचे की तरफ। ओए होए, मतलब बॉल ऊपर जाए या बॉल नीचे आए, बॉल दाएं जाए बाएं जाए, रुकी रहे, जी किधर लगता है हमेशा नीचे। मतलब इन सारे सवाल में ए की वैल्यू को आप हमेशा माइनस जी लोगे, क्योंकि जी का डायरेक्शन हमेशा 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 नीचे होता है। अब इस बात पे दूसरा सवाल नहीं उठेगा कभी भी, कभी जिंदगी में। ए की वैल्यू को क्या लेंगे? माइनस जी, चाहे बॉल ऊपर जाए चाहे बॉल नीचे आए, क्योंकि जी किधर ऐड कर रहा है? डाउनवर्ड। परेशान नहीं हो, सारे क्वेश्चन हल होंगे इससे, टेंशन मत लो यार, ठीक है।
समझ में आया? बस यही एक बात थी कि ए को माइनस जी लेना है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव, बॉडी को ऊपर फेंका तो स्पीड पॉजिटिव, नीचे फेंका तो स्पीड नेगेटिव। और याद रखना है कि एस क्या है, कई वीडियोस में बताता चल रहा हूँ, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। बस इतनी बात समझनी थी, और ए को माइनस जी इतनी बात समझनी है, और ये आपका चैप्टर तैयार। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ यार, ये चैप्टर तैयार। चलो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं 6-7 क्वेश्चन करा दूंगा, ये टॉपिक आपका पूरा तैयार हो जाएगा। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1, तो अपन बेसिक से स्टार्ट करते हुए लेवल बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ स्पीड यू फाइंड। चलो फाइंड फर्स्ट पार्ट, टाइम टेकन बाई इट टू रीच मैक्सिमम हाइट, सेकेंड पार्ट मैक्सिमम हाइट, थर्ड पार्ट टाइम टेकन टू रीच इनिशियल पोजिशन, जहां से फेंका था वापस वहीं आ गए, और पूरे रास्ते में आप अज्यूम करोगे कि एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, जी है। अब जितना मैंने बोला था उसको फॉलो करो। मान लो आपने बॉल को यहाँ से ऊपर की तरफ फेंका, तो इसकी स्पीड को आप क्या लोगे, प्लस यू, क्योंकि ऊपर जा रहा है। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी लोगे बिना सोचे, बोलो माइनस जी। अब सोचो ये गया 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 गया, होगा क्या, इसकी स्पीड कम होती जाएगी, कि चीज़ को हम ऊपर फेंकते हैं तो उसका स्पीड कम होता जाता है ना, ग्रेविटी उसकी स्पीड को कम करती जाती है, कम करते 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 मान लो यहाँ पे आके बॉडी रुक गई, तो यहाँ आके इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो। कोई चीज़ तभी तो रुकती है जब उसकी स्पीड जीरो हो जाए, तो ये कहाँ पे आके इसकी स्पीड जीरो होगी, जब ये कहाँ पहुंची होगी भाई साहब, मैक्सिमम हाइट पे, तो मैक्सिमम हाइट पे इसकी स्पीड जीरो हो गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या पूछा है, टाइम टेकन बाई टू रीच मैक्सिमम हाइट। अब ये तीन वेरिएबल्स देखो, टाइम निकालना है तो वी इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी लगा दो, वी की जगह जीरो, यू की जगह प्लस यू, ए की जगह माइनस जी इंटू टी। अब ये जी टी इधर गया, जी टी इज इक्वल्स टू यू, यहाँ से टी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, यू बटे जी, एंड दैट इज द आंसर। अब जो भी u की वैल्यू रख दो, जो भी g की वैल्यू दी हो रख दो, तो आ गया हमारा टाइम टेकन कितना हो गया, t इज इक्वल्स टू यू बटे जी। इसको चाहो तो रट भी सकते हो, ना रटो तो कोई टेंशन नहीं है। चलो सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम हाइट की मैक्सिमम हाइट है कितनी, फिर से मैंने इसको यहाँ से फेंका, इनिशियल वेलोसिटी प्लस u, एक्सेलरेशन कितना लिया माइनस जी, और यहाँ पे जाके ये बॉडी रुक गई, मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो। लेट द मैक्सिमम हाइट बी एच, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, प्लस एच। क्यों प्लस एच, क्योंकि बॉडी किधर जा रही, ऊपर, किधर जा रही, ऊपर, तो डिस्प्लेसमेंट प्लस एच ले लिया। वी यू ए एस क्या निकालना है, एच निकालना है, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस को लगा देना है, वी की जगह जीरो, यू की जगह यू स्क्वायर प्लस टू, ए की जगह माइनस जी, एस की जगह प्लस एच, यहाँ से इधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, टू जी एच इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, यहाँ से एच की वैल्यू आ गई, यू स्क्वायर बराबर टू जी, यू स्क्वायर बराबर टू जी, तो द मैक्सिमम हाइट इज यू स्क्वायर बराबर 2G, U square बराबर 2G, ठीक है, समझ में आ गया। फिर पूछा है टाइम टेकन टू रीच इनिशियल पोजिशन, तो यार यहां से फेंका था तुमने U स्पीड से ऊपर की तरफ, ऊपर गया, यहां पे स्पीड कितनी हुई, जीरो, लौट कर वापस नीचे आया। अब मेरी बात ध्यान से चुनो, जितना टाइम बॉल को ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम बॉल को नीचे आने में लगेगा, अगर कोई एयर रेजिस्टेंस ना हो, अगर कोई फ्रिक्शन ना हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, तो जितने समय में ये ऊपर जाएगा उतने ही समय में ये नीचे आएगा, तो रीच इनिशियल पोजिशन, तो टी में गया, टी में लौटा, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 2T, ठीक है, और टी की वैल्यू कितनी है, यू बाई जी, तो 2U/G। यहीं पे एक बात मेरी और सुन लो, जिस स्पीड से फेंका है लौट कर वापस यहाँ पे देखोगे तो उसी स्पीड से नीचे आ रहा होगा। जैसे मैंने इस बॉल को 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका, तो जब ये वापस इसी पॉइंट पे आएगा तो नीचे की तरफ इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, यानी स्पीड तो सेम होगी पर वेलोसिटी अपोजिट होगी, स्पीड तो सेम होगी पर वेलोसिटी। जैसे मान लो जब इसको ऊपर फेंका तो इसकी स्पीड कितनी है, प्लस यू, यहाँ पे जीरो, यहाँ आते आते इसकी स्पीड बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही, और यहाँ पे वापस इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, यू, और वेलोसिटी क्या लिखोगे, माइनस यू, क्योंकि इस बार किधर डायरेक्टेड है, नीचे की तरफ डायरेक्टेड है, किधर डायरेक्टेड है, नीचे की तरफ डायरेक्टेड है। अब आप बोलोगे सर इसको आपने माइनस यू क्यों लिखा, प्लस यू क्यों नहीं लिखा, आपने यू क्यों नहीं लिखा, भाई साहब मान लो आपसे पूछ ले चेंज इन मोमेंटम, क्या पूछ ले, चेंज इन मोमेंटम, क्या पूछ ले भाई साहब आपसे, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला सबको पता होगा, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू स्पीड कह सकते हैं कि नहीं, तो जाते वक्त इसका मोमेंटम क्या होगा, एम इंटू यू, कैसा, प्लस, क्योंकि ऊपर की तरफ है, लौटते वक्त इसका मोमेंटम कितना होगा, एम इंटू यू, कैसा, माइनस, क्योंकि यू
किधर है, नीचे, और मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, ये इनिशियल मोमेंटम, ये फाइनल मोमेंटम, आप चेंज इन मोमेंटम निकालोगे 2mu आएगा, अरे आएगा कि नहीं, डेल्टा पी निकालोगे, एक mu है एक माइनस mu, जैसे मान लो एक प्लस 10 होगा एक माइनस 10 होगा, जब आप डिफरेंस निकालोगे तो 20 आएगा, और यदि आप इसको भी u ले लेते हैं तो ये भी प्लस mu, ये भी प्लस mu, और मोमेंटम का चेंज जीरो बोलते और आंसर गलत हो जाता। तो छोटी छोटी बात है, इसको ध्यान रखना है कि ऊपर की तरफ की स्पीड u और जब वापस आएगा तो यहाँ पे स्पीड माइनस u, और चेंज इन मोमेंटम जीरो नहीं होगा 2mu होगा, प्लस mu माइनस mu, तो चेंज कितना हो जाएगा, ये माइनस ये कितना आएगा 2mu, ठीक है। तो ये छोटे छोटे सवाल था, बहुत ही हल्का सवाल था। चलिए एक को लेवल इसके थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, वेरिएबल्स की जगह मैं कहूँ तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू डाल देता हूँ, कि एक स्टोन है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टार, कई लोग कमेंट में बोलेंगे सर बहुत तेज पढ़ाया, अरे तो हलवा है, फ्रॉम अ टार ऑफ हाइट 20 meters, फाइंड दो बातें पूछ लेते हैं, फाइंड टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, सेकेंड पार्ट स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड, ग्राउंड पे मारने से जस्ट पहले स्पीड क्या, ग्राउंड पे मारते ही तो स्पीड जीरो हो जाएगी, अगर गिर ही गया तो स्पीड जीरो, ग्राउंड पे मारने से जस्ट पहले स्पीड क्या होगी। चलो स्टार्ट करते हैं, तो एक स्टोन है जिसको हम टावर पे गए और इसको हमने छोड़ दिया, कौन करता है ये सब, पत्थर को ले जाके ऊपर से छोड़ा, उसका टाइम भी देखते हैं कब गिरा। अच्छा जब किसी चीज को आप ड्रॉप करते हो ना, स्टोन इज ड्रॉप्ड, ड्रॉप का मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ड्रॉप्ड मतलब छोड़ दिया, ड्रॉप मतलब ना नीचे की तरफ फेंका ना टुटुक से ऊपर की तरफ फेंका, बस वहां जाके चुक छोड़ दिया नीचे, धम गिरेगा, तो इसकी इनिशियल स्पीड को हम यहाँ पे कितना लेंगे, जीरो लेंगे। गिरता हुआ ये यहाँ पे आया, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड हमसे पूछा है स्पीड, और क्या पूछा है इस प्रोसेस में टाइम। अब बताओ इस प्रोसेस में एक्सेलरेशन कितना होगा, माइनस जी, बिना सोचे बोलो, क्योंकि जी हमेशा नीचे, ए इज इक्वल्स टू माइनस जी मैंने लिख दिया। अब टाइम पूछा है यार, टाइम कैसे निकालूं, क्या हमें ये डिस्टेंस पता है, हाँ 20 meters, तो ये 20 meters, तो यार हमको u पता है 0, a पता है माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट पता है 20 ना, यही तो गलती की, बॉल ऊपर से या स्टोन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, टिक 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 टिक, इसका डिस्प्लेसमेंट किधर है, डाउनवर्ड्स की अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ है डिस्प्लेसमेंट, तो इसको क्या लोगे, माइनस 20, यही समझाया था मैंने। इस बार बॉल ऊपर या स्टोन ऊपर से नीचे गिर रहा, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा, तो डिस्प्लेसमेंट को माइनस 20 रखेंगे, आंसर एकदम सही आएगा। t निकालना है, लगा दो s इज इक्वल्स टू यू छी प्लस हाफ ए छी स्क्वेयर, s की जगह क्या रख दोगे, माइनस 20, यू की जगह 0, t तो t है रे, हाफ इंटू ए की जगह माइनस जी, और टी स्क्वेयर, यहाँ पे टी स्क्वेयर, अब जी की वैल्यू नहीं दी, चल मैं जी की वैल्यू तुमको बोल देता हूँ, लेट जी बी 10, ठीक है मैंने बोल दिया है ना, अब यहाँ पे बुद्धिजीवी आएंगे कमेंट में बोलेंगे सर जी 9.8 होता है, माइनस जी की वैल्यू माइनस 10 इंटू टी स्क्वेयर, माइनस से माइनस मर गया, 2 5 10, टी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 5 4, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, ये आएगा 5 4, तो t इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2 seconds, तो तुमको पता है यार टाइम नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो टाइम की वैल्यू क्या होगी, प्लस 2 seconds, तो 2 seconds में बॉल यहाँ से यहाँ पहुँची। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर टाइम माइनस 2 नहीं हो सकता तो आंसर माइनस 2 क्यों आया, कमेंट में मुझको बताना, अगर टाइम माइनस 2 नहीं हो सकता तो ये आंसर माइनस 2 क्यों आया, मुझे ये बात जो समझा देगा उसको मैं अगले वीडियो में ऐसे करके खड़े होकर सल्यूट देने वाला हूँ, ये बात का मीनिंग है, इफ़ यू आर स्टडिंग फ्रॉम फिजिक्स वाला तो इस बात की मीनिंग है, टी माइनस 2 seconds क्यों आया इसका एक रीजन होगा। खैर छोड़ते हैं, आगे आते हैं, टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड कितना हो गया, 2 seconds, बड़े हलवा सवाल है सब, तो स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड मतलब यहाँ पे जस्ट गिरने से पहले इसकी स्पीड क्या है, ठीक है, तो अपन को वी निकालना है, अब स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है, कितने वेरिएबल अपने पास, ज़्यादातर वेरिएबल हो गए हैं, मैं चाहूँ तो ये इक्वेशन यूज़ कर सकता हूँ ना, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो वी मुझे नहीं पता, यू कितना है 0, ए कितना लोगे माइनस जी, और टी कितना लोगे 2 seconds, ठीक है, तो वी इज इक्वल्स टू माइनस जी की जगह 10 इंटू 2, तो वी कितना आया माइनस 20 meters per second, तो ये कितनी स्पीड से नीचे गिरेगा, यहाँ पे कितनी स्पीड से, माइनस 20 meters per second की स्पीड से। अब ये तो इसकी वेलोसिटी हो गई भाई, स्पीड में ना पॉजिटिव होता है नेगेटिव, यहाँ पूछ रहा है स्पीड, तो आप स्पीड में आंसर दे देना 20 meters per second, कोई पूछे वेलोसिटी तो बोलो माइनस 20, क्योंकि किधर जा रही है नीचे, या तो और अप्रोप्रिएट तरीका होगा अगर कोई पूछे यहाँ वेलोसिटी बताओ, तो सबसे बेस्ट तरीका होगा तुम बोलो माइनस 20 जे कैप, वाई डायरेक्शन में नीचे क्या होता है जे कैप, ऊपर होता है अभी जे कैप है ना,
तो माइनस 20 जे कैप वुड बी द बेस्ट आंसर फॉर वेलोसिटी। तो ये बहुत ही हलवा सा सवाल था, आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लेने से कितना बढ़िया सवाल बन जाता है। चलो मैं एक काम करता हूँ, आपको और एक अच्छा सवाल दिखाता हूँ, इसी का एक और बढ़िया सवाल आपको देता हूँ कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट 20 meters एट अ स्पीड ऑफ 5 meters per second। फाइंड फर्स्ट पार्ट मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बॉल, सेकेंड पार्ट टाइम व्हेन इट पासेस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से वापस पास करने का टाइम। अभी इतना ही लेते हैं, फिर इसमें थर्ड पार्ट भी जोड़ लेंगे। पहले और सवाल समझते हैं। हमसे बोल रहा है कि एक बॉल है जिसको हमने ऊपर की तरफ फेंका है एक टावर से, और टावर की हाइट है 20 meters। तो ये 20 meters बड़ा टावर है, यहाँ से एक बॉल को हमने ऊपर की तरफ फेंका है कितनी स्पीड से, 5 meters per second से। तो इसकी इनिशियल स्पीड कितनी होगी, +5 meters per second, क्योंकि किधर फेंका है, ऊपर की तरफ फेंका है। फाइंड मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बॉल, कितनी हाइट तक बॉल जाएगी। तो यार यहाँ से बॉल जाएगी, उसकी स्पीड कम होते 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 एक टाइम आके जीरो हो जाएगी। तो हमसे पूछ रहा है कि भाई मैक्सिमम हाइट क्या है, तो ये हाइट निकाल लो प्लस इसको जोड़ दो तो पता चलेगा मैक्सिमम हाइट, क्योंकि मैक्सिमम हाइट रीच बाय बॉल कहाँ से निकालते हो, ग्राउंड से, ये नहीं कि बिल्डिंग की छत से बताया, कहाँ से बताओगे, ग्राउंड से। तुमको ये डिस्टेंस चाहिए, तो यार इस डिस्टेंस में देखो यू की वैल्यू तुमने बोली प्लस फाइव क्योंकि ऊपर की तरफ है, ए की वैल्यू सबको पता है माइनस जी, और जी को मैं बोल देता हूँ लेट इट बी 10। ठीक है, तो अपन माइनस 10, कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैंने 10 ले लिया। माइनस जी क्यों लिया, क्योंकि जी हमेशा नीचे। अब फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई, जीरो। हमें निकालना क्या है, ये हाइट, तो हाइट को मैं एस बोल दूं, तो अपन लगा सकते हैं इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी की वैल्यू जीरो, u 5 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह क्या रखूँ माइनस 10, और s की जगह ऐसी ले लेते हैं चलो। तो इसको पूरे को इधर ले आओ, तो प्लस 20s हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। तो ऐसे इक्वल टू 25/20, तो इसको हम बोल सकते हैं कितना, 5 4 20 5 5 5 4 5/4, तो इज इक्वल्स टू 4 1 4 10, 4 2 8 20 1.25 meters। तो यहाँ से ये कितना ऊपर गया, 1.25 meters ऊपर गया, और देखो s प्लस आया है, प्लस अपने आप आया है क्योंकि किधर गया है, ऊपर। मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बॉल, तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो गई, ये 20 और ये 1.25, तो आंसर आपका बनेगा 20 + 1.25 meters, दैट इज 21.25 meters इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। चलिए पहला पार्ट आपको क्लियर हुआ, बड़ा मज़ा आया। टाइम व्हेन इट पासेस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको तो पॉज करके खुद से सॉल्व करो। ठीक है, टाइम व्हेन इट पासेस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, जहाँ से उठा था वापस वहीं से कब जाएगा, टाइम व्हेन इट पासेस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो इसको करने का तरीका कई लोग बता रहे होंगे, क्या तरीका बता रहे हो आप, मैं भी सुनूँ। आप कह रहे हो सर यू की वैल्यू प्लस 5 है, यहाँ आके वेलोसिटी कितनी है, जीरो, एस्केलेरेशन रास्ते भर कितना है, माइनस जी या माइनस 10। तो आइए टाइम निकाल लेते हैं सर इतने रास्ते का, यहाँ जाके रुक ही रहा है, तो वी इज इक्वल्स टू यू प्लस 80, वी की जगह रखोगे 0, यू की जगह रखोगे 5, माइनस 1 10 इंटू टी, तो टी की वैल्यू कितनी आ रही है, 5/10, यही आ रही। वी इज इक्वल्स टू यू प्लस 80, यहाँ पर रखा 5 - 10t, ठीक है, तो कितनी आ रही, 0.5 seconds, यही आ रही, सही है ना, 5 - 10 दे, टी इधर गया 10t, टी की जगह 5/10, ठीक है, 0.5 seconds। तो 0.5 seconds में ऊपर पहुंचा, कितने टाइम में ऊपर पहुंचा भाई, 0.5 seconds। तो वापस यहां तक आने में फिर कितना टाइम लगेगा, 0.5 seconds। यहां से ऊपर जाने में अगर 0.5 लगा है, तो ऊपर से यहां तक आने में भी 0.5। तो टाइम व्हेन इट पासेस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, 0.5 सेकंड में ऊपर गया, 0.5 सेकंड नीचे, ये इसकी मीन पोजीशन है, जहां से फेंका गया था वापस वहीं आ गया, कितने टाइम बाद, 1 सेकंड, 0.5 सेकंड में ऊपर, 0.5 सेकंड में नीचे, कितने टाइम बाद आ गया, 1 सेकंड। अच्छा बच्चों, इसी को करने का एक और तरीका है, क्या तरीका है, ये तरीका सबको समझ में आया, v = u + 80 लगा दिया, किसी को अभी टफ तो नहीं लग रहा है, बहुत हलवा सवाल है,
ठीक है, टफ लग रहा है तो इस वीडियो के नीचे जाओ, वहाँ पे लिख दो स्पीड को कम करने का तरीका होता है ना in 2.5, तो उसमें मैं ऐसे पढ़ाऊंगा द टाइम व्हेन इट पासेस है, या तो कई लोग ऐसे देखते हैं मेरे को द टाइम व्हेन इट पासेस इनटू टू करके है ना, कई लोग मेरे को बोलेंगे सर आपका वीडियो मैं इनटू टू करके देखता हूँ द टाइम व्हेन इट पासेस। अच्छा देखो यहाँ से इसको ऊपर फेंका कितनी स्पीड पे, +5 मीटर पर सेकेंड पे। अब सुनो हम यही वाला क्वेश्चन बता रहे हैं एक दूसरे तरीके से, यहाँ जाके इसकी वेलोसिटी क्या हुई हमसे मतलब नहीं, हटा। पूछ क्या रहा है टाइम व्हेन इट पासेस फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, ये पूछ रहा है टाइम व्हेन इट पासेस फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, टाइम व्हेन इट पासेस, तो यार ये ऊपर गया होगा लौट कर वापस नीचे आया होगा और यहाँ से कब वापस गुजरा है हमें ये समय निकालना है। बच्चों ये यहाँ से चला वापस यहीं पे जब आएगा इस समय, ये ऊपर गया वापस नीचे यहीं आया, इस समय व्हेन इट पासेस फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन मुझे ये बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सब ने बोला डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा क्योंकि वापस उसी पोजीशन पे आ गया। यू की वैल्यू बच्चों कितनी है +5, ए की वैल्यू -g या -10 रख देंगे, बस अब यहाँ से टाइम निकाल लो आंसर आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आएगा यार, जब अपनी मीन पोजीशन पे आया होगा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया होगा, जीरो हो गया होगा, यू 5 है, ए तो पता है, यहाँ से ये फॉर्म लगा दो s = ut + ½at² इससे भी आंसर आ जाएगा। s की जगह 0, u की जगह 5 और t की जगह t +½, a की जगह -10 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -g या -10 (t²) टी हमको पता नहीं t² तो कितना हो गया 0 = 5t - 5t² यहाँ से 0 = 5 कॉमन, टी भी कॉमन, क्या बचेगा 1 - t है ना, यहाँ से 5t कॉमन लिया 1 - t ये बचा। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक है ये, तो या तो 5t की वैल्यू 0 होगी या तो 1 - t की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ से या तो t की वैल्यू 0 या तो t की वैल्यू 1, तो एक t = 0 पे वो यहाँ से पास कर रहा है तो वो तो शुरुआत का समय आया। ये t = 0 आंसर क्यों आया इसकी भी मीनिंग है कि जब इसको यहाँ से फेंका था, जब इसको यहाँ से फेंका था तब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना था 0, और एक आया t = 1 सेकेंड्स, देख रहे हो आंसर आ गया। t = 1 कब आया, जब ये घूम कर वापस, तो जब भी बोले पासिस फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन तो डिस्प्लेसमेंट की जगह 0 लिख दो, क्योंकि मीन पोजीशन पे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट 0, या चाहो तो ये टाइम निकाल के उसको डबल कर दो और आंसर लिख दो, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाऊंगा बच्चों, इसी सवाल को आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें एक पार्ट और डालते हैं, फाइंड स्पीड ऑफ बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ठीक है, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। अब देखो यार मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, तुम कैसे सॉल्व कर रहे होगे इसको, एक बार खुद से ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। पॉज करके ट्राई करो, इसको जरूर पॉज करके ट्राई करो तभी मजा आएगा यार। ठीक है, कर लिया होगा। चलो तो u = +5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, थोड़ा जोश ज़्यादा है आज, है ना, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। अच्छा, बोल रहा है द स्पीड ऑफ बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, तो कितनी हाइट से फेंका है 20 मीटर ऊपर से, ये ऊपर जाएगा यहाँ आएगा फिर नीचे आएगा और पूछ रहा है यहाँ पे जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इसकी क्या स्पीड है, क्या करेंगे क्या करेंगे। यहाँ पे गए, यहाँ पे स्पीड कितनी हुई 0, यहाँ के नीचे की तरफ स्पीड कितनी हो गई -5, अरे यार बोला ना 5 से फेंका तो यहाँ के नीचे की तरफ स्पीड कितनी हो जाएगी -, देखो इसको यहाँ से ऊपर 5 से फेंका तो जब लौट कर वापस इसी पॉइंट पर आएगा तो स्पीड तो 5 होगी पर किस तरफ, नीचे की तरफ, तो ये निकाल सकते हैं ऐसे भी। या तो बच्चों, या तो ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं, मेरी बात सुनो ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अगर तुमने ये सब किया है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं। U की जगह लिखा है +5 लिखा रहने दो, स्पीड ऑफ बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ठीक है, पूरी जर्नी कंप्लीट हो गई, पूरा रास्ता घूम लिया, ऊपर गया या नीचे आया, मुझे बताओ पूरे रास्ते के लिए U की वैल्यू कितनी है इनिशियल, +5 इनिशियल ही लेते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू पूरे रास्ते के लिए -g, इस पे कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं, -10। जब बॉल यहाँ से गई, यहाँ गई और वापस यहाँ आई, मुझे बताओ बॉल का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन कितना है। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है 20, ये ऊपर वाले रास्ते की कोई ज़रूरत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है, इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है 20 है सिर्फ। तो यार अपन डिस्प्लेसमेंट सीधा लिख सकते हैं -20, और माइनस क्यों लिखा, क्योंकि बॉल अल्टीमेटली अपनी ओरिजिनल पोजीशन से किधर आई है नीचे, अब कहोगे ऊपर भी गई है पॉजिटिव, नहीं यार डिस्प्लेसमेंट,
ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। इनिशियल से फाइनल किस तरफ है, इनिशियल से फाइनल किस तरफ है, नीचे। कई लोग ऐसा सोच रहे हैं ऐसे नहीं आ रही बॉल, तो ऐसे जाके ऐसे इसी लाइन में है, बॉल इसी लाइन में है, वो बनाने के लिए मैंने ऐसे दिखाया है, बॉल इसी लाइन में ऊपर नीचे चल रही है। तो इनिशियल से फाइनल किधर है, नीचे, इसलिए इसकी जगह -20। पूछा क्या है, स्पीड ऑफ बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, यहाँ पे स्पीड पूछा, उसको वी बोल दो, खत्म खत्म भाई साहब। वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस 2as, लगा दो खत्म। वी की जगह कितना रखेंगे नहीं पता, यू की जगह 5 का स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए की जगह -10 और एस की जगह -20। तो यहाँ से वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वेयर 25 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया 20 इंटू 20 400, है ना, 40 इंटू 400। तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 425 और वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 425 एंड दैट इज द आंसर। यहाँ पे जो स्पीड है उसकी वो नीचे की तरफ है और कितनी है, अंडर रूट 425, ठीक है। सो आप बोलोगे फाइनल स्पीड ऑफ बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड 425, रूट 425। अगर कोई वेक्टर फॉर्म में पूछे तो क्या बोलोगे, माइनस ऑफ, यहाँ पे देखो स्क्वायर है, दो आंसर आएंगे, एक प्लस एक माइनस, प्लस रूट 425 माइनस, तो यहाँ पे कौन सा आंसर लोगे, माइनस, अगर वेलोसिटी पूछता, पर पूछा क्या था, स्पीड। जैसे बच्चों इसी सवाल में, आपको सवाल समझ में आ रहा है ना कि ऊपर से जा रहा है सब, इसी सवाल में आपसे पूछता फाइंड, ये आप खुद से करेंगे वाला पार्ट, फाइंड टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, ग्राउंड पे कब पहुंचा, चलो ग्राउंड पे कब पहुंचा, ठीक है। तो मैं अप्रोच बता देता हूं, आपने ऊपर फेंका कितनी स्पीड से, प्लस 5, ये हाइट कितनी है 20 मीटर। अब तुम्हें मतलब ही नहीं है कि ऊपर गया कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, ऐसे चाहो तो हमें पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा है, 1 सेकेंड, फिर यहाँ से यहाँ का टाइम निकाल के जोड़ दें। कई लोग यही करेंगे कि भाई 0.5 में यहाँ गया था, 0.5 में यहाँ, या 1 सेकेंड ये हुआ, बाकी ये टाइम। मैं ये सब कुछ नहीं करूँगा, मैं आपको फिर से इसमें कंसेप्ट बताऊँगा, एक कंसेप्ट क्या होता है। यू क्या है, प्लस 5, बहुत बढ़िया। आप लिखो इनिशियल स्पीड कितनी है, प्लस 5, लौट कर वापस कहाँ आया है, नीचे, यही तो बोल रहा है। टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, ग्राउंड ग्राउंड, टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, तो यार यहाँ से यहाँ आया फाइनल। हमें ऐसा मतलब ही नहीं बीच में क्या हुआ, इक्वेशन ऑफ मोशन इतनी प्यारी है ना कि उसमें एस जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि बॉल कहाँ कहाँ से घूम के आई, उसको डिस्प्लेसमेंट से फर्क पड़ रहा। तो एस कितना है इनिशियल पोजिशन से, माइनस 20, नीचे आ गया। ए की वैल्यू कितनी है, माइनस जी या माइनस 10, क्योंकि पूरे रास्ते जी तो नीचे लगेगा, जी तो नीचे, चाहे ऊपर जा रहा चाहे नीचे आ रहा, जी हमेशा नीचे। अब क्या निकालना है तुमको, टी निकालना है, लगा दो सवाल खत्म। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कोई जरूरत नहीं है, ये टाइम निकालो, ये टाइम निकालो, फिर ये टाइम निकालो, ऐड करो, कोई जरूरत नहीं। एक बार में बोलो कि ऊपर की तरफ वेलोसिटी 5 है, पूरे रास्ते में पूरी कहानी में डिस्प्लेसमेंट माइनस 20, जी की वैल्यू माइनस 10, लगा दो खत्म। एस की जगह कितना रखोगे, माइनस 20, फाइनली यहाँ आया ना, और तुमसे पूछा गया फाइंड टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, ग्राउंड पे कब पहुंचा। यू की जगह प्लस 5, टी नहीं पता, प्लस हाफ इंटू ए, ए की जगह क्या रखोगे, माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक आएगी, इसको सॉल्व करना होगा। माइनस 20 इज इक्वल्स टू 5t माइनस 5t स्क्वायर, 5 से कट रहा है, 5 4 20 54, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 4t माइनस टी स्क्वायर, तो हमारा बनेगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, धाराचार फॉर्मूला, टी की दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस एक माइनस, माइनस वाली लेनी नहीं है, प्लस वाली लेनी है, आंसर क्लियर। समझ में आया ये, इसमें कोई जरूरत नहीं थी कि ये टाइम निकालें, ये टाइम निकालें, फिर ये टाइम निकालें। एक बार में हमने बोला शुरुआत की स्पीड प्लस 5, टोटल डिस्प्लेसमेंट पूरे रास्ते में टोटल माइनस 20, ए की वैल्यू माइनस 10, टी नहीं पता, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बच्चों इस तरह से आप इसके बेसिक सवाल तो कर सकते थे, आइए हम लोग कुछ डिफरेंट तरह के सवाल लेते हैं जो इसी टॉपिक से हमारे पूछे जा रहे हैं। हमारे पास जो अगला सवाल है वो क्या कह रहा है कि अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स एट अ स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ बॉल, स्पीड ऑफ बॉल 1 सेकेंड बिफोर रीचिंग मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो इसको पॉज करके खुद से ट्राई कर लें एक बार, 1 सेकेंड बिफोर रीचिंग मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के 1 सेकेंड पहले इसकी क्या स्पीड है। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड बिफोर रीचिंग मैक्सिमम हाइट, इसको एक बार खुद से ट्राई कर ले। ऑप्शन दे दे रहा हूँ मैं, 9 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 18 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 20 मीटर पर सेकेंड। तो एक बार पॉज करके इसको ट्राई करें, ठीक है, और जी की वैल्यू, जी की वैल्यू आप लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो एक बॉल है जिसको ऊपर फेंका है एट अ स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ बॉल 1 सेकेंड बिफोर रीचिंग मैक्सिमम हाइट। तो कैसे करोगे यार इसको, आइए सॉल्व करते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो एक बॉल को मैंने ऊपर फेंका कितनी स्पीड से, यू इज इक्वल्स टू प्लस 28 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इनिशियल स्पीड प्लस 28। अब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा और उसके 1 सेकेंड पहले की बात की है, तो पहले देखते हैं मैक्सिमम हाइट पे कब पहुंचेगा। बच्चों जब ये बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी तब इसकी स्पीड कितनी होगी, जीरो। भाई मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गई मतलब रुक गई, तभी तो नीचे आएगी, तो स्पीड कितनी है, जीरो। सारे रास्ते ए की वैल्यू कितनी होगी, माइनस जी या माइनस 10। तो हम ये टाइम निकाल लेते हैं और पहले कितने टाइम में पहुंचेगा ये तो पता चले। तो हम लगा देंगे वी इज इक्वल्स टू यू प्लस 80, वी की जगह जीरो रखा, यू की जगह प्लस 28, ए की जगह माइनस 10 और टी नहीं पता। तो यहाँ से 10t इज इक्वल्स टू 28, तो t इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 2.8 सेकंड्स। तो 2.8 सेकंड्स में ये ऊपर जा रहा, कितनी देर में, 2.8। हमसे क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ बॉल 1 सेकेंड बिफोर मैचिंग मैक्सिमम हाइट। 2.8 सेकंड में पहुंच रहा है मैक्सिमम हाइट, इसके 1 सेकेंड पहले, मतलब कहीं यहाँ पे, जब यहाँ से यहाँ कितना टाइम हुआ हो, ये टाइम कितना हो 1 सेकेंड पहले, तो यहाँ से यहाँ कितना टाइम हुआ हो, 1.8 सेकेंड। 2.8 सेकेंड में ऊपर पहुँच रहा, 1 सेकेंड पहले 1.8 सेकेंड, और यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि उसकी स्पीड कितनी होगी। तो बस छोटा सा पार्ट था क्वेश्चन का, ये जर्नी हमें देखनी है। इस जर्नी के लिए देखो यू की वैल्यू कितनी है, प्लस 28, ए की वैल्यू कितनी है, माइनस 10, और टाइम कितना है, 1.8। वी निकालना है, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस 80, यू की जगह प्लस 28, ए की जगह माइनस 10, टी की जगह 1.8। तो 28 माइनस ये कितना हो गया, 18 इज इक्वल्स टू कितना, 10 मीटर पर सेकेंड विल बी द आंसर। बधाई हो जिन लोग ने सही आंसर बताया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि, ठीक है, अ टैप ड्रॉप्स वाटर ड्रॉप्स एट 1 सेकेंड इंटरवल, ठीक है, 1 सेकेंड के इंटरवल पे वाटर ड्रॉप्स गिरती जा रही हैं, पट 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 पट, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड एंड फिफ्थ ड्रॉप व्हेन सिक्स्थ ड्रॉप इज जस्ट कमिंग आउट फ्रॉम टैप, ठीक है। तो एक टैप है, उसमें से वाटर ड्रॉपलेट्स गिर रही हैं कितने सेकंड पे, एक सेकंड के इंटरवल पे, है ना, एट 1 सेकंड इंटरवल्स, एक सेकंड के इंटरवल पे वाटर ड्रॉप्स गिर रही है। पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड एंड फिफ्थ ड्रॉप, तीसरी और पांचवी ड्रॉप के बीच का डिस्टेंस बताइए, व्हेन सिक्स्थ ड्रॉप इज जस्ट कमिंग आउट फ्रॉम टैप, ठीक है, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा लॉजिक लगाएंगे, सोचेंगे कैसे करना है इसको, ठीक है। आप पॉज करके चाहो तो ट्राई कर लो एक बार, ठीक है, पॉज करके ट्राई कर लो। चलो अब कर लिया होगा अब तक ट्राई, अच्छा कई लोग तो सोचते हैं कौन ट्राई करे, चलो ठीक है। तो यार देखो, तीसरी ड्रॉप जो होगी वो डेफिनेटली ज़्यादा नीचे होगी, ठीक है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ थर्ड ड्रॉप, ठीक है, ये डेफिनेटली ज़्यादा नीचे होगी, बहुत देर पहले गिरी होगी ना। फिफ्थ ड्रॉप शायद अभी थोड़ी देर पहले निकली होगी, फिफ्थ ड्रॉप, ठीक है, और ये रही सिक्स्थ ड्रॉप गिरने वाली है, दिस इज दी सिक्स्थ ड्रॉप, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत। छठी ड्रॉप गिरने वाली है, फिफ्थ थोड़ा आगे चली गई है, थर्ड काफ़ी नीचे चली गई, अच्छा कितनी देर के इंटरवल पे, 1 सेकंड पे, ठीक है। एक काम करते हैं यहाँ पे फोर्थ ड्रॉप को भी बना लेते हैं जबकि उसका काम हमें नहीं है, ठीक है। तो सिक्स्थ ड्रॉप गिरने वाली है, तो फिफ्थ ड्रॉप कब गिरी होगी, 1 सेकंड पहले, तो फिफ्थ ड्रॉप कितना चल की होगी, 1 सेकंड, इसके 1 सेकंड पहले फोर्थ ड्रॉप निकली होगी, उसके 1 सेकंड पहले थर्ड ड्रॉप, यानी थर्ड ड्रॉप को गिरे हुए कितना टाइम हो गया होगा, 3 सेकंड, है कि नहीं। फिफ्थ ड्रॉप को गिरे हुए कितना टाइम हुआ होगा, 1 सेकंड। फिफ्थ ड्रॉप कितनी देर के लिए नीचे गई होगी, 1 सेकंड। फोर्थ ड्रॉप कितनी देर के लिए नीचे जा चुकी होगी, 2 सेकंड। और थर्ड वाली ड्रॉप को गिरे हुए कितना समय हो गया होगा, 3 सेकंड्स हो गए होंगे, है ना। थर्ड गिरी होगी, उसके 1 सेकंड बाद फोर्थ गिरी होगी, उसके 1 सेकंड बाद फिफ्थ गिरी होगी, और उसके 1 सेकंड बाद सिक्स्थ आ रही है, मतलब 3 सेकंड हो गए, ठीक, बहुत आसान हो गया। अब अगर मैं थर्ड ड्रॉप की बात करूं तो उसकी हाइट को चलो हम लोग मान लेते हैं h3, और फिफ्थ ड्रॉप की हाइट को मान लेते हैं h5। तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है इनके बीच का, है ना, ये h3 मान लो थर्ड ड्रॉप की हाइट,
और फिफ्थ ड्रॉप की हाइट को यहाँ से कितना मान लो h5, तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है ना, h3 थ्री माइनस एच फाइव की वैल्यू हमें चाहिए। चलो चलो थर्ड ड्रॉप की बात करते हैं बच्चों, लेट्स टॉक अबाउट थर्ड ड्रॉप। ठीक है ठीक, थर्ड ड्रॉप की बात करो, थर्ड ड्रॉप जब गिरी होगी उसकी इनिशियल स्पीड जीरो रही होगी, ठीक है, एक्सेलरेशन कितना रहा होगा माइनस जी या माइनस टेन, ठीक है, और कितने टाइम के लिए नीचे गिरी, तीन सेकेंड्स के लिए, तो आप लगा दो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू की वैल्यू जीरो प्लस हाफ टी की जगह माइनस टेन और थ्री स्क्वायर नाइन, ठीक है, तो कितना हो गया हमारा 90 माइनस 45 मीटर, तो ये यहाँ से यहाँ कितना नीचे है माइनस 45, मतलब H3 की वैल्यू कितनी है 45, डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव आएगा ही क्योंकि नीचे जा रहे हैं, पर हाइट कितनी है ये 45। इसी तरह से आप फिफ्थ ड्रॉप की बात करें, फिफ्थ ड्रॉप बच्चों, फिफ्थ ड्रॉप किस स्पीड से निकली होगी, जीरो, एक्सेलरेशन उस पर भी लग रहा होगा माइनस 10, और बच्चों टाइम कितना हुआ है उसको, एक सेकेंड, अभी एक सेकेंड पहले ही तो गिरी है, तो कितना नीचे गिरी होगी उसको हम h5 बोल रहे हैं, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, u की वैल्यू जीरो प्लस हाफ a की जगह माइनस 10 और t की जगह 1, ठीक है, तो ये हो गई माइनस 5 मीटर, कितना नीचे है माइनस 5, मतलब h5 की वैल्यू हो गई 5 मीटर। थर्ड ड्रॉप कितना नीचे है माइनस 45, मतलब कितना 45 है ना, u की जगह जीरो हाफ, एक बार चेक कर लेते हैं, a की जगह माइनस 10 टी थ्री, थ्री का स्क्वायर नाइन, 90 45, ठीक, तो ये 45 नीचे ये 5 नीचे, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, कोई भी बता सकता है 40 मीटर, ये 45 नीचे आ चुकी है ये 5, तो इनके बीच का डिस्टेंस हो गया, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 40 मीटर। इसका कई लोग फॉर्मूला भी बताते हैं पर नहीं, ठीक है, कंसेप्ट होना चाहिए, है ना, फॉर्मूले में मज़ा नहीं आता, कंसेप्ट होना चाहिए। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपने देखा होगा एग्जाम में, आपके स्कूल में किताब में इस तरह क्वेश्चन दिया होता था कि अब बलून देखा है कि नहीं, बलून, बलून की स्पेलिंग क्या होती है, ठीक है, चलो ठीक है जो भी होती है, तो बलून, ठीक है, राइजेस अपवर्ड्स विथ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड व्हेन द बलून इज एट अ हाइट ऑफ 100 मीटर अबव ग्राउंड, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट, स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट, जब 100 मीटर पर था तब बलून से एक स्टोन गिरा, फाइंड फर्स्ट पार्ट टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच ग्राउंड, ठीक है, तो ये सबसे शायद सबसे सबसे हलवा पार्ट यही होगा इसका, सबसे आसान। सेकंड, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय स्टोन, ठीक है, चलो पहले दो पार्ट करो फिर और इसमें बताते हैं, इसमें बहुत वेरिएशन की जा सकती है इस तरह के सवाल में। तो बलून वाले सवाल में आपको क्या देखना है, राइज विद द स्पीड ऑफ इन द राइडर, ठीक है, तो एक बलून है, ठीक है, ठीक है, दो चीज़ों को मेरी माफ़ करना, ड्राइंग और राइटिंग और स्पेलिंग और बोर्ड और लाइटनिंग और साउंड और चैनल देर से अपलोड, अच्छा ठीक है माफ़ करना यार छोड़ो, ठीक है, तो ये बलून है ऊपर जा रहा है, बलून किस स्पीड से ऊपर जा रहा है, छोटा छोटा बनाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, बलून यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है, और बलून किस स्पीड से ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, यहाँ से एक स्टोन नीचे गिराया गया, ठीक है, यहाँ से एक स्टोन गिराया गया और पूछा है वो स्टोन कितनी देर में ग्राउंड तक पहुंचेगा और बलून ग्राउंड से कितना ऊपर है 100 मीटर, ठीक है, तो यार पहली बात तो ये समझो कि ये जो स्टोन गिरेगा इसकी स्पीड कितनी होगी, जीरो नहीं होगी, है ना, स्टोन इज ड्रॉप्ड तो है पर कहाँ से ड्रॉप्ड है, बलून से, है ना, जैसे मान लो हम चलती हुई ट्रेन से तुमको बाहर फेंकें तो तुम रुकोगे नहीं, तुम आगे की तरफ बढ़ोगे, इनर्शिया, है ना, तो स्टोन जैसे ही बाहर आएगा एट द इंस्टेंट द स्टोन कम्स आउट उसकी स्पीड कितनी होगी 10 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ, अरे होगी कि नहीं होगी, जैसे मान लो तुमको किसी ट्रेन में तेजी से जा रहे हो, मैं कोई पत्थर बाहर फेंकूँ तो वो भी तो आगे जाएगा फॉर अ टाइम बिंग, दिखता नहीं ऐसा क्योंकि हवा चलती है ना, एयर फ्रिक्शन, यहाँ तो कोई एयर फ्रिक्शन हमारे एग्जाम में तो कोई एयर फ्रिक्शन या क्वेश्चन में तो दे नहीं रहा है, जब देगा देखेंगे, तो स्टोन की इनिशियल स्पीड समझनी होगी आपको, जीरो नहीं 10 होगी, तो स्टोन जैसे ही गिर कर बाहर आया यहाँ पर इसकी स्पीड ऊपर की तरफ कितनी हुई 10 मीटर पर सेकेंड, पूछ रहा है टाइम टेकन बाई स्टोन टू रीच ग्राउंड, तो तुम्हें कुछ सोचना नहीं है, असल में तो जो स्टोन का मोशन होगा वो कैसा होगा,
कि स्टोन पहले ऊपर जाएगा, जाके इसकी स्पीड जीरो होगी, फिर वापस यहाँ आएगा, फिर नीचे आएगा। पर क्योंकि अब तुम कंसेप्ट पकड़ चुके हो, है ना, और जी की वैल्यू अपन कितनी ले लेंगे, 10 m/s2। मैं 10 ले रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन ईजी हो, एग्जाम में जो भी दिया हो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमसे जब टाइम पूछ रहा है टू रीच ग्राउंड, तो हमारी जर्नी कहाँ से कहाँ हो रही है, यहाँ से लेके ग्राउंड तक, यहाँ से लेके ग्राउंड तक, यहाँ से लेके ग्राउंड तक। तो हमें इस पार्ट से मतलब ही नहीं है। स्टोन फेंकने के बाद थोड़ी देर ऊपर गया होगा, तब नीचे गिरा होगा, पर हमें इस पार्ट से मतलब नहीं है। क्यों? स्टोन की इनिशियल स्पीड प्लस 10 m/s, रीच ग्राउंड, जब वो ग्राउंड, यहाँ इनिशियल, ये फाइनल, जब वो ग्राउंड पे पहुंचा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, -100 m, इनिशियल से 100 m नीचे। एस्केलरेशन पूरे रास्ते -10। अब यहाँ से t निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, s = ut + ½ at² लगा दो, s की जगह कितना रख देंगे -100, u की जगह 10, t नहीं पता, t प्लस हाफ, a की जगह -t और t² ये लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ से यार 0 0 0 मर जाएगा, ठीक है। और एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -20, ये हो जाएगा 2t और ये हो जाएगा -t². तो t² - 2t - 20 = 0, क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व कर लोगे, t की जो पॉजिटिव वैल्यू होगी दैट विल बी दी आंसर। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय दी स्टोन, ठीक है। तो जब आपने स्टोन को यहाँ से भाई साहब फेंका होगा, स्टोन को बलून से जिस इंस्टेंट पे बाहर फेंका होगा, तो उसकी स्पीड ऊपर की तरफ कितनी रही होगी, +10। तो स्टोन कुछ ऊपर जाएगा, तो मान लो यहाँ तक गया, यहाँ जाके इसकी स्पीड कितनी हो गई, 0 हो गई, पूरे रास्ते ए कितना लगा, -10 लगा। तो आपको ये डिस्टेंस निकालना है, ये हाइट, लेट इट बी एस, इक्वेशन v² = u² + 2s, वी 0 हो गया ऊपर पहुँच के, यू कितना 10 + 2, ए की जगह -10, एस की जगह एस ले लिया, ठीक है। तो ये 10 10 कैंसिल हो जाएगा, 20s = 10, ये कैंसिल, तो एस कितना हो गया 0.5, 1/2, है ना। तो यहाँ से स्टोन कितना ऊपर जाएगा, 0.5 m, ऑलरेडी अभी ये कितना ऊपर है, 100 m। तो ओवरऑल आंसर कितना हो गया, मैक्सिमम हाइट कितनी हो गई, 100.5 m, 100 पहले से ऊपर था, 0.5 और ऊपर गया। इसको एक बार चेक कर लो, v² u² 2s, u की जगह, ओहो u का स्क्वायर नहीं किया ना अपन ने, तभी आंसर है ना। अभी मेरे को कमेंट में पढ़ने वाली थी चोटें, v² = u² + 2as, तो v की जगह 0, u 10² 100 प्लस 2, a की जगह -10 और s, ठीक है। यहाँ से 0 0 कैंसिल, तो 2s = 10, तो s की जगह कितना आ गया, 5 m, ठीक है। तो ये 0.5 नहीं, 5 m हो जाएगा। तो टोटल मैक्सिमम हाइट अटेन बाय स्टोन 100 पहले से था, 5 और ऊपर गया, कितना हो गया, 105 m ऊपर गया, ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में एक पार्ट नया जोड़ता हूँ मैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन स्टोन एंड बलून आफ्टर 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड के बाद स्टोन और बलून में क्या डिस्टेंस है, ठीक है। 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड 10 सेकेंड कुछ भी हो सकता है। आइए करते हैं, ये बलून भाई साहब थे, ये स्टोन भाई साहब थे, स्टोन को ऊपर की तरफ स्पीड मिली कितनी, +10 m/s, और बलून लगातार ऊपर किससे जाता रहेगा, 10 m/s। ये मत सोचना कि इसके ऊपर ग्रेविटी का फ़र्क पड़ेगा, नहीं, क्योंकि जो बलून्स होते हैं उनके अंदर फ्यूल होता है ना, तो वो फ्यूल ग्रेविटी को हटाते रहते हैं। मतलब बलून राइजेज अपवर्ड्स विद स्पीड ऑफ 10 m/s, मतलब ये मान लो कि ग्रेविटी का इफेक्ट लगने के बाद भी ये कांस्टेंट स्पीड 10 m/s से ऊपर जा रहा है, ठीक है। उसके ऊपर अभी ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है, है पर उस इफेक्ट को ऑलरेडी उसका इंजन खत्म कर चुका है। मतलब बलून यूनिफॉर्मली 10 m/s से ऊपर जा रहा है, यूनिफॉर्मली, ठीक है। और ये भाई साहब के ऊपर तो पूरी जी वी वर्क करेगा। अच्छा, इसके ऊपर एस्केलरेशन कितना लग रहा, -10, कितने टाइम के बाद बोला है, 3 सेकेंड्स। तो आइए 3 सेकेंड के बाद देखते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा। इस जगह से हम लोग सब कुछ मेजर कर रहे हैं, मीन पोजीशन से सब कुछ मेजर कर रहे हैं। कितना टाइम बीत गया है, 3 सेकेंड। तो s = ut + ½ at² लगा दिया, u की जगह 10, t की जगह 3 प्लस हाफ, a की जगह -10, t की जगह 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो गया, 30 - 45, तो कितना आ रहा, -15, ठीक है। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, माइनस क्यों आया, क्योंकि जब यहाँ से फेंका तो 3 सेकंड में ये ऊपर भी गया, यहाँ भी आया और थोड़ा नीचे चला गया,
इसीलिए ये सब बता रहे, इसकी मीनिंग है कुछ। एस इज इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया, यू की जगह 10 रखा ऊपर की तरफ, टी की जगह 3 सेकंड रखा, ए की जगह -10, ए तो हमेशा -10 इन सब क्वेश्चन में, -g 9.8 जो भी है, और टी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, तो ये हुआ 90/2 -45 30 -15। मतलब यहां से उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है -15, मतलब 3 सेकंड में स्टोन ऊपर भी गया होगा, यहां भी आया होगा, फाइनली कुछ नीचे होगा, यहां से कितनी नीचे चला गया होगा, 15 मीटर नीचे चला गया होगा। अच्छा, तो बलून और स्टोन में कितना डिफरेंस है, 15 नहीं, बलून ऊपर भी तो जा रहा, 3 सेकंड में बलून ऊपर भी जाएगा, बलून की स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, तो बलून कितना ऊपर चला जाएगा 3 सेकंड में, स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, टाइम है 3 सेकंड, एस्केलरेशन है नहीं बलून पे, कोई एस्केलरेशन नहीं, बता चुके थे, 3 × 10 कितना हो गया 30 मीटर, है ना, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 3 सेकंड ऊपर गया, 30 मीटर बलून ऊपर पहुंच जाएगा यहां 3 सेकंड बाद, और ये 15 मीटर भाई साहब नीचे, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना हो गया 45 मीटर, ये 30 मीटर ऊपर, ये 15 मीटर नीचे, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 45 मीटर। तो यार टाइम कुछ भी हो सकता है, बस मैंने आपको करने का तरीका समझाया किस तरह के सवाल को आप किस तरह से सॉल्व करोगे, इस तरह को उस तरह से, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कौन सही आंसर देता है, ठीक है, और इसका मैं आंसर दूं नहीं, देखता हूं चलो इसको कौन सही आंसर देता है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन, अ स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ ट्री कवर्स 6 मीटर हाइट इन लास्ट 0.2 सेकेंड ऑफ फॉल, फाइंड हाइट ऑफ ट्री, ठीक है, ये क्वेश्चन है अपना। एक स्टोन है जिसको ड्रॉप किया है फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ ट्री, ठीक है, क्वेश्चन बता देता हूँ, ये एक पेड़ है, ठीक है, और यहाँ से एक स्टोन गिरा है, ठीक है, ठीक है, एक स्टोन गिरा है भाई साहब, कवर्स 6 मीटर हाइट इन लास्ट 0.2 सेकेंड्स, तो इसकी कुछ जर्नी होगी, आखिरी के 0.2 सेकेंड्स में उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 6 मीटर, आखिरी के 0.2 सेकेंड्स में जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो है 6 मीटर। पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, तो ट्री की ओरिजिनल हाइट क्या है, ठीक है, तो ये सवाल है, ठीक है ना, इसको खुद से आप लोग ट्राई करेंगे। हिंट दे दूं मैं, चलो हिंट दे देता हूँ, एक हिंट दे देते हैं कम से कम आपको, देखो एक तो ये यहाँ से यहाँ नीचे गिर रहा, तो पहले तो इसकी इनिशियल स्पीड 0 मान लो, एस्केलरेशन पूरे रास्ते जी की वैल्यू -10 लो, ठीक है, जी की वैल्यू 10 ले ली, -10, और कितना नीचे गिरा -h, हाइट h मान लो, तो यहाँ से यहाँ नीचे कितना गिरा -h, कितना नीचे गिरा -h, ठीक है, सही है इतना। अच्छा, यहाँ से आप एक क्वेश्चन बना लो, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और मान लो कितने टाइम में नीचे आया, t टाइम में, तो यार s कितना हुआ -h इज इक्वल्स यू जीरो रख लिया, हाफ a की जगह -10 टी स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, h इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर, ये एक क्वेश्चन बनी आपकी। अब देखो ये क्या कहानी है, अगर मैं ये हाइट हटा दूँ तो ये हाइट कितनी होगी h माइनस 6, और ये टाइम हटा दूं तो ये टाइम कितना होगा t माइनस 0.2, मतलब t माइनस 0.2 में वो कितना नीचे गिरा h माइनस 6, तो एक इक्वेशन और आप बना सकते हो कि ऊपर से कितना नीचे h माइनस 6, मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट माइनस ऑफ h माइनस 6, क्योंकि नीचे आ रहा नहीं आ रहा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, 6 लास्ट में गिर रहा है तो इतना कितना हुआ h माइनस 6, ये कितने टाइम में t टाइम में पूरा कवर किया 0.2 में ये वाला, तो ये वाला कितने टाइम में t माइनस 0.2, तो हमने बोला डिस्प्लेसमेंट ऊपर से है माइनस ऑफ h माइनस 6, माइनस इसलिए क्योंकि नीचे की तरफ, एस्केलरेशन -10, और टाइम कितना लग रहा t माइनस 0.2। अब यहां से इक्वेशन और बन जाएगी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
और यू तो इस वाले जर्नी के लिए भी जीरो। यहाँ से एच की टी की एक और इक्वेशन, एच टी की एक इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करो और मुझे बताओ हाइट क्या है, कमेंट करो, बढ़िया क्वेश्चन दिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको मोशन अंडर ग्रेविटी समझ में आया होगा। मोशन अंडर ग्रेविटी एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि जल्दी खत्म नहीं हो सकता है, इस पर आप खुद सारे क्वेश्चन और सॉल्व करिए। अभी हम लोग सिलेबस लेके आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, कोशिश करेंगे जहाँ टाइम मिलेगा कि आपको और नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, मेरे देखो मेरे फिजिक्स पढ़ाने का ही तरीका है कि मैं बहुत ज़्यादा आपको थ्योरी पर नहीं रोक रहा हूँ, क्योंकि जेई मेंस देख हो गया, आपका नीट हो गया, कहीं पर भी बहुत थ्योरी नहीं पूछ रहा है, न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, ठीक है, और न्यूमेरिकल्स करोगे अपने आप कंसेप्ट खुल जाएंगे। अभी इसमें तमाम तरह के सवाल होंगे यार, मोशन एंड ग्रेविटी के मैंने खुद कितने सवाल लगाए होंगे लाइफ में, कम से कम 200, 250, 500, 1000 पता नहीं, ठीक है, मतलब बहुत सवाल है, सवाल कभी खत्म नहीं होते, कंसेप्ट अच्छे करो। तो इसमें मैंने हर तरह के कंसेप्ट कवर किए इन सब क्वेश्चन में, तुमको ये सिखाया है कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है। बाकी एक पैराशूट तरह का प्रॉब्लम होता है कि पैराशूट, एक रॉकेट वाले प्रॉब्लम होते हैं, तो उनके मैं कोशिश करूंगा छोटे छोटे वीडियो बना दूं कि रॉकेट प्रॉब्लम का वीडियो बना दिया, ठीक है। एक रॉकेट वाला प्रॉब्लम होता है कि रॉकेट ऊपर जा रहा है, कब उसका इंजन बंद हुआ, कब इंजन चालू हुआ। एक पैराशूट वाला होता है कि पैराशूटिस्ट ने आप पैराशूट खोल लिया, वो इतना नीचे गिरा, उतना ऊपर गया। एक होता है एक बॉल को नीचे से फेंका, एक बॉल को ऊपर से फेंका, कब दोनों मिलेंगे, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जेई में आए हुए इसका सवाल है 2014 का, एक बहुत बहुत मस्त सवाल है, तो अभी उसके लिए वीडियो बना देंगे बेस्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो तब तक पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।